अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हरीश अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। द प्लैनेट ऑफ योर फैमिली, द प्लैनेट ऑफ योर एजुकेशन, द प्लैनेट ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, द प्लैनेट ऑफ योर पावरफुल क्रिएटिव स्किल्स, द प्लैनेट ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, द प्लैनेट ऑफ योर एक्सप्लेनेशंस, द प्लैनेट ऑफ योर एग्जाम्स, द प्लैनेट ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, ये अपने पीक पर होगा। मर्करी इन द सेजिटेरियस एंगल, ये बहुत अच्छा एंगल होता है जिससे आपके अंदर के जोफ, बीमारियां, गलाजतें, बुरी सोचें, मनफी सोचें रिपेयर होती हैं। अगर मर्करी 2 नवंबर कभी कभी ये डेटें बयान करते करते जहन उलझ जाता है, बहुत सारी डेट्स याद रखना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर, अगर मर्करी 2 नवंबर को आपके लिए वेरी फर्स्ट डे ही पॉजिटिव हो गया तो वो जो मून इन स्कॉर्पियो वाला इशू है वो भी एक ही दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मर्करी ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देता है एज़ कम्पेयर टू मून इन स्कॉर्पियो। मर्करी की ये अपीयरेंस आपको मजबूर करेगी नए प्लान्स पर, मर्करी की ये अपीयरेंस आपको मजबूर करेगी अपनी शान और शौकत को रिपेयर करने के लिए, मर्करी की ये अपीयरेंस आपको मजबूर करेगी ज़्यादा तालीम या ज़्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए, मर्करी की ये अपीयरेंस आपको मजबूर करेगी पावरफुल कनेक्शंस जनरेट करने के लिए। मर्करी 22 दिन का प्लैनेट है एंड ये आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल्स को, संजीदगी को भी बढ़ा देगा। मर्करी के अंडर बनने वाले प्लान्स ज़्यादातर अफेक्टिव हुआ करते हैं, असरअंदाज होने वाले, हलचल मचाने वाले। मर्करी के सीज़न में किए हुए प्लान्स ज़्यादा मुनाफा देते हैं, मर्करी के दौर में किए हुए प्लान्स हमेशा ही आसान हुआ करते हैं। सो 3 पिन पॉइंट्स हैं, आसान प्लान्स, मुनाफा बख्श प्लान्स एंड लंबे प्लान्स। मार्स आपके पहले एंगल पर है कैंसेरियंस, ये उसका आखिरी हफ्ता है जब वो आप पहले एंगल पर है। अगले हफ्ते पहले ही दिन, अगले हफ्ते की वीडियो भी मार्स पर ही मबनी होगी, मैं उसकी बड़ी तफसील बयान करूंगा, बट इस हफ्ते तक मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है एंड दैट इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। अगर इस हफ्ते आपने कोई डील बना ली, कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो अगले हफ्तों में उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर आपको तेजी से मुनाफे, तेजी से फाइनेंशियल अचीवमेंट्स होने लग जाएंगी। तो इस हफ्ते अगर आप किसी डील के एंड पर हैं तो उसे पूरा कर लीजिए, स्पेशली लैंड्स, स्पेशली घर, घर की ताज़ीन और आराइश, घर की ताज़ीन और आराइश से रिलेटेड सनद, जो 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 ऐसी अशियाँ हैं जो घर को खूबसूरत बनाती हैं, उनसे रिलेटेड भी अगर आप हैं तो भी कामयाब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हरीश अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर मून इन स्कॉर्पियो हो सो दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द इमोशनल साइड। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट 1 एंड 2 नवंबर को मोहतात अंदाजे से करनी चाहिए। उस दिन उम्मीद ये है, ऑब्जर्व ये किया गया है एज एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मूड स्विंग करेगा, आपको कंप्लेंस ज़्यादा रहेंगी, आप अपनी जज्बाती कैफियत में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, इसका इम्पैक्ट आपको किसी बड़े फैसले के करने में डिले की वजह बन सकता है, इसकी वजह से आप अपने रिश्तों को निभाने में कुछ इरिटेटेड से रहेंगे, आप अपने रूटीन काम करने में भी थकावट या शिकायत महसूस करेंगे। बट इट इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज ये सिर्फ 2 दिन का इवेंट है। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड होपफुली यू आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ ल्यू नेचर, आप रिकवर कर जाएंगे। जो लोग अपनी स्किल्स में कैप्टन होते हैं, गुड मैनेजर होते हैं, ब्रेव होते हैं, तो 2 दिन की इमोशनल डिस्टर्बेंसेज उनकी इमोशनल डिजास्टर्स की वजह नहीं बन सकती। अलबत्ता थोड़ी इरिटेशन आती है, उसे आप मैनेज कर सकेंगे। द सेकेंड इवेंट ऑन द 2 नवंबर आपके लिए मर्करी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। मर्करी इज अ पावरफुल प्लैनेट फॉर द ल्यू नेचर, ये आपके 2nd एंगल को रूल करता है। 2nd एंगल इज योर सोर्स ऑफ इनकम, 2nd एंगल इज योर जॉब, 2nd एंगल इज योर करियर, 2nd एंगल इज योर मल्टी टास्किंग एबिलिटी,
सेकेंड एंगल इज योर फाइनेंशियल फ्रीडम, सेकेंड एंगल इज योर एक्सप्लेनेशंस। सो मर्करी इन द सेजिटेरियस इज इन आइडियल पोजिशन, सो यू आर वेरी गुड इन योर सोर्स ऑफ इनकम इन अ सिंगल लाइन। जब आप अच्छी फॉर्म में हैं और दिमाग चल रहा है तो आप अपने कामों को सर अंजाम देंगे, चे जाए कि मून इन स्कॉर्पियो आपको कुछ इरिटेट करे, लेकिन उसके बावजूद मर्करी गालिब रहेगा वेरी नेक्स्ट डे 2 नवंबर को। एंड मर्करी की जो गलबा है वो आपसे नए फैसले करवाएगा, वो आपकी परफॉर्मेंसेस को मैजिकल करेगा, वो आपके रिवॉर्ड्स को इन्हेंस करेगा। उसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशंस दे पाएंगे, कम्युनिकेशंस कर सकेंगे, प्लानिंग्स कर सकेंगे, ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सकेंगे, ज़्यादा चीज़ों को टीच कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मर्करी फोर्थ एंगल पर वर्गोस के लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ एंगल इज अ पिलर एंगल, इट इज अ एंगल ऑफ अ स्टेशन, अ मंजिल, जहाँ पर आप जो कुछ हासिल कर लेंगे, जो चीज़ की इब्तदा कर लेंगे, जो मुनाफा कमा लेंगे, जो फेस वैल्यू बना लेंगे, जो इज्जत बना लेंगे, वो सस्टेन करेगी, वो पावरफुल होती है, मंजिल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। मतलब आप टारगेट अचीव कर जाएंगे एंड उस अचीवमेंट को फिर उससे ऊपर वाले टारगेट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो जो स्ट्रगलिंग फेज था जिसमें नॉन डिसाइसिव बिहेवियर थे, स्ट्रगल रहती थी, शकूक रहते थे कि पता नहीं हो पाएगा, पता नहीं नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, वो वाले कॉन्सेप्ट अब 2 नवंबर से रिजॉल्व होंगे एंड आप कर ही जाएंगे एंड फिर वो चीज़ सस्टेन करेगी। मर्करी इज़ आल्सो योर पर्सनैलिटी, आपकी शान व शौकत, मर्करी आपकी संजीदगी, मर्करी आपकी कॉन्सेंट्रेशन, मर्करी आपका कम्युनिकेशन, मर्करी इज़ आपकी इज़ अ एजुकेशनल फैक्टर, हायर एजुकेशन, जनरल एजुकेशन सब के लिए। एंड मर्करी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर करियर, ये आपके 10th एंगल को भी रिप्रजेंट करता है। जब मर्करी कभी भी अच्छा हो, आपकी परफॉर्मेंसेज ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड्स में बढ़ोतरी पैदा करना शुरू कर देंगे। यू आर मोर प्रॉफिटेबल, यू आर मोर ईजी इन योर डेली परफॉर्मेंसेज, यू आर मोर कम्युनिकेटिव। वो जो ड्राइंग रूम टॉक्स थी वो पब्लिक टॉक्स में बदल जाएंगी। वो जो आपके अंदर हलचल मची रहती थी कि मुझे ये बताना है, मुझे ये प्लान देना है, मुझे ये क्रिएटिविटी करनी है, वो अंदर से बाहर निकल के बॉसेस तक पहुंचेगी, एम्प्लॉयज़ तक पहुंचेंगी, कुलीग्स तक पहुंचेंगी और उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। मर्करी इज़ योर फेस वैल्यू आल्सो, सो आप छुपे हुए, दुबके हुए, चुपके से काम करने के आदि नहीं रहेंगे 2 नवंबर से। आप ज़्यादा नुमाया होकर काम करने की तमन्ना करेंगे एंड वो तमन्ना पूरी भी होगी। आपके लिए सूरज आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर वेलफेयर प्लान्स, दैट इज पॉजिटिव फॉर योर ट्यूनिंग ऑफ योरसेल्फ।